तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बफ का ये बनाएगा, बीफ का ये क्या बोलते हैं, मोमो बनाएगा। तो संडे है आज, देखो ये बहुत टेस्टी बना दे मोमो, देखो। तो मैं अभी काटूंगा बीफ को, कीमा बनाएगा, बीफ का कीमा। सुबह सुबह जाके बीफ लेकर है, सुबह का जो बीफ होता है वो बहुत फ्रेश होता है, खाने में भी मज़ा होता है। तो आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगा कैसे मोमो बनाएगा, और बीफ का मोमो बहुत टेस्टी होता है। तो इसे पीस पीस करके थोड़ा बड़ा बड़ा पीस करेगा, उसके बाद कीमा बनाएगा ना, हो जाएगा सही से, हो जाएगा। हाँ, अंदर कुकर ले लो पहले, कीमा करते समय थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करना, हो जाएगा। या कैपिटल में तो ये क्या होता है, गोम्पा मंदिर मोमो और मेरा माइकी का मोमो ही टेस्टी है सबसे ज़्यादा। ओनिया आते को भी ला देगा, हो जाएगा। तो एक दो पीस हो जाएगा, हो जाएगा। अभी उठा के ऐसे करना, ज़्यादा जोर से एक जगह मारते रहेगा तो लकड़ी घुसेगा ना, ऐसे। अभी हम बनाएंगे चटनी, मोमो चटनी, उसका हम बॉईल करेगा। दो टमाटर डाला है और कुछ मिर्च डाल के उसका बॉईल करेंगे। देखो हम लोग ऐसे चाकू में से काम करते हैं, हम ग्रेनाइट में ऐसे करके बहुत काम करते हैं, उसको ऐसे चेक करना है। ये है हमारा प्याज जो कि मोमो में डलेगा, क्योंकि शॉर्टकट आजकल ऐसे करते हैं, बहुत ही शोर हो गया आजकल तो मोमो बनाने के लिए। ये देखिए ऐसा बनाते हैं, इसको अभी हम मोमो में डालेंगे, कीमा के साथ मिक्स करेंगे। ये भी कीमा की तरह ही बन गया, देखो ने फाइनली कीमा हो गया सब। और यहाँ पे फेट्स फेट्स छोटा छोटा कट के डालेगा, ये जब पिघलेगा तो जूसी हो जाएगा। यहाँ में ऑयल भी डालेगा उसके, उसके बाद अभी प्याज कट के डालेगा। अभी हम बनाएंगे चटनी, मोमो चटनी, उसका हम बॉयल करेगा। दो टमाटर डाला है और कुछ मिर्च डाल के उसका बॉयल करेंगे। देखिए मैंने वाइट चिली टमाटो डाल दिया है, अब इसको मैं पानी थोड़ा डालूंगी, बनाऊंगी। ये मोमो चटनी रेडी हो गया, पर मोमो अभी तक रेडी नहीं हुआ, बहुत जाले बहुत जाले, आपका गैस्ट्रिक में लग जाएगा। हम तो वैसे भी लाल मिर्च लगता ही है, ताप मत खाओ इसको, बहुत लगेगा। इसे होना है मिक्स वेक में। तो अभी ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग सर्विंग हो गया, अभी मिक्सचर हो रहा है। आज इसको ये करेगा, मेरा फेशियल कर देगा ये, देखो पैसा दो, आज तो पैसा मेरे बहुत मजा से फेशियल करते हैं, पैसा देते हमको जो हम कब बाहर में किया ही नहीं, तो हम कभी नहीं किए। ये चश्मा भी टूट गया आज, देखो आज वहाँ से पहन के आ रहा था इसका वजह से। अभी देखो देखो कितने से भी पहन सक रहे हैं, हैंडसम लग रहा है ना, देखो हैंडसम लग रहा है। तो आप लोग दोस्तों मेरा चैनल को जितना हो सके शेयर कर दो, सब लोग शेयर कर दो, बुढ़ापा में अपना बच्चा लोग को बिठा के आराम से हमें होम थिएटर में दिखाएगा, घर में थिएटर एक तो बना के छोटा सा। तो पर बताओ तो इसलिए हम लोग आज पार्टी खिलाएंगे। प्याज थोड़ा कम हो गया था इसलिए प्याज कट रहे हैं, ये देखिए कीमा सब्जी, अंदर का ये स्टफिंग जो रेडी हो चुका है, इसमें है ओनियन और रेड मिर्च में आपका, आज हम लोग बना रहे बीफ और नमक और तेल, इतना ही है, बाकी हम ऐसे नहीं डालता है। और आप देख रहे हैं क्या है, सोच रहा होगा ये चर्बी है, फैट्स है। और आप देखिए ये दो बनाया है, और इसमें ना मत्तू में यहाँ पे
अच्छी में पूरा तेल लगा लिया। हाँ तेल लगाना है। ऐसे करके हम लोग बेलते हैं। अगर आपको ऐसे बेलना नहीं आता है तो कोई नहीं, आप रोटी बेलना जैसे बेल सकते हैं, लेकिन ये मोमो बेलने के लिए स्पेशल है। तो देखो इसको बेलने से क्या होता है, इस साइड का पूरा पतला हो जाता है, बीच का मोटा होता है, तो मोमो जो फटता नहीं है। ऐसे डाला है ना, पहला मोमो हमारा। तो फाइनली फोल्डिंग कर रहे हैं अभी, देखो मोमो फोल्डिंग हो रहे हैं। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोल देगा थोड़ा। देखो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। और इसका टुप्पा भी बहुत टेस्टी से बनाते हैं। टुप्पा, उसका टुप्पा यहाँ में मिलता भी नहीं, ये ओरिजिनल वाला टुप्पा ना, चाइनीज वाला टुप्पा बनाते हैं। आप लोग एक बार चख के देखिएगा ना, रोज खाने मन हो। जमीर जी का पोएम सुन सुन के बना रहा है। ये आपको दिखा दे, ऐसे बनाने आते हैं। देखो क्या मोमो है, आई ट्राई। ये इसका सुंदर है, देखो इसका सामने से ऐसे से आप बनाएगा ढाबा, ये बनाएगा वेरी जूसी। आई लाइक जूसी मोमो, बीफ मोमो यहाँ में कहीं मिलता भी नहीं, मिलता होगा कहीं मेरा, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट ए मोमो लवर, बट आई लाइक हर मोमो। तो आपने बताइए, इसको नहीं छोटा हो गया क्या? मैं सोच रहा हूँ मोमो तेला खोलेगा हमारा क्लिनिक का बाहर, स्माइल डेंटल और ग्लोइंग स्माइल डेंटल क्लिनिक। इसका मोमो नहीं चल रहा है, बोले तो इनके क्या फायदा है? और खाएगा, और स्टेप खा दिया, और एक स्टेप खाएगा। हम तो मोमो खा, अपना लाइफ का जो चौथा दे लीजिए, एंजॉय करते लीजिए। मैं भी अपना खाना बरकरार रखती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।